हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम टैप। होम टैप के अंदर आपको क्लिपबोर्ड का ग्रुप सिखाने वाला हूँ, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप सिखाने वाला हूँ साथ में, और फोन ग्रुप भी सिखाऊंगा अगर टाइम बचता है तो, अगर लॉन्ग वीडियो नहीं होती है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर विनवर्ड ओपन कर लेंगे, हम विंडो आर करेंगे। तो यहाँ पर विंडो विनवर्ड टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर विनवर्ड टाइप कर दिया तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विनवर्ड ओपन हो गया 2019 का वर्जन, जिसके अंदर मैं आप लोगों को होम के आर्ट टूल सिखाने वाला हूँ। तो होम के अंदर आता है क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड के आज प्रॉपर तरीके टूल सीखने वाले हैं। उसके लिए हम एक प्रैक्टिस करने के लिए एक पैराग्राफ ले आते हैं। तो ये पैराग्राफ लाने के लिए एक कोड लगता है, वो कोड क्या है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इजिकल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये कोड डालते हो तो एंटर कर दे तो बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जिससे क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। एक डेमो टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको कट सिखाता हूँ। तो कट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कट पे क्लिक करा तो ये ऑब्वियसली कट हो गया, और कट होने के बाद अब ये कट भी हो गया और साथ में मूव का भी काम करेगा। तो जैसे ही मुझे नीचे चाहिए तो मैं नीचे कर्सर करूँगा, नीचे करने के बाद यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये ऊपर से उठ के नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट पेस्ट हो गया, देख सकते हो आप, ऊपर नहीं मिलेगा ये देखने को पैराग्राफ, तो आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा पैराग्राफ। नेक्स्ट हम सीखते हैं यहाँ पर कॉपी। तो ये सिलेक्ट करेंगे कॉपी, और देन यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ कहीं जाएगा नहीं, ये कॉपी हो चुका है, इसकी कॉपी हो चुकी है, और यहाँ पर मुझे चाहिए तो पेस्ट कर देंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो सेम पैराग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टू मेक यू डॉक्यूमेंट लुक। तो ये देखो सर, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, तो सेम पैराग्राफ हमें देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी और में भी कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो इजीली इनके ज़रिए से। इनके शॉर्ट की भी है, आप देख सकते हो कंट्रोल सी शॉर्ट की है इसकी, और कंट्रोल एक्स शॉर्ट की इसकी है, और कंट्रोल वी शॉर्ट की इसकी है। तो अगला टूल सब आता है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर मेरे को थोड़ा हेडिंग टाइप्स कुछ वर्ड्स टाइप कर लेता हूँ, या इसमें से ही काट के लगा देता हूँ ठीक से, जिससे कि समझ में आए। चलिए इससे करते हैं हम ब्रेक। मैंने कुछ लाइंस ब्रेक किए हैं यहाँ पर 8-10। तो पहली लाइंस को मैं क्या करता हूँ, बोल्ड साइज बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा स्टाइलिश चेंज कर लेता हूँ, और साथ में अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, और यहाँ कलर भी कर देता हूँ। तो इसके अंदर मिनिमम मैंने कितने टूल्स इस्तेमाल करे, कम से कम 5 से 6 टूल्स इस्तेमाल करें। वो टूल्स जो इस्तेमाल करें 5 से 6, वही टूल्स मुझे नीचे वाले डॉक्यूमेंट में चाहिए तो कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, और उसको सिलेक्ट करके ब्रश आएगा तो उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हो लिखा वही है लेकिन कॉपी पेस्ट हुआ है, क्या फॉर्मेटिंग जो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है वो कॉपी पेस्ट हो गई। इसी तरीके से मेरे को बार बार चाहिए कॉपी पेस्ट, तो इसके लिए भी एक तरीका है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे इस पर। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से, तो आप लोग देख सकते हैं अगेन अगेन हम कर सकते हैं जितनी मर्जी बार। तो ऐसे ही फॉर्मेट प्रिंटर काम करता है, किसी भी वर्ड के ऊपर की एक्टिविटी को कॉपी करेगा देन पेस्ट करेगा। ये हो गया फॉर्मेट प्रिंटर का काम। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्लिप बोर्ड का पूरा ग्रुप पढ़ा दिया है। अगर मेरी स्पीड फास्ट लगी हो तो पोस्ट करके थोड़ा देख लेना। अगर कोई वीडियो में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी इश्यूज लग रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप नेक्स्ट वीडियो कैसे चाहते हो तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो उसको भी मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।